बी द पार्ट ऑफ आवर चैनल। आई एम संदीप, फिर से आपका स्वागत है सनासन ब्लॉग में। आज अभी बज रहा है दोपहर का 2 और बाहर से आ रहा हूँ, पसीना पसीना हो रखा हूँ, लेकिन फिर भी ये ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं ऑफिस से आ गया और अभी आज ही मतलब 20 जून 2019 में अभी ब्लॉग कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपके पास ये मैसेज पहुंच जाए। तो बहुत ही अच्छा दिन था मेरे लिए क्योंकि मैं आपको बताया था अगर कुछ गलत होता है तो हम इस चैनल में आपको दिखाएंगे, लेकिन अगर कुछ अच्छा भी होता है वो भी हम दिखाएंगे। तो आज जो हुआ मेरे साथ वो अच्छा हुआ और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, क्यों वो मैं बता रहा हूँ। अभी सुबह के करीब करीब 11 बजे हम जब लाल दीघी रस्ते से जा रहे थे, ये दैट वॉज द वन वे, तो मैं गियर अप था, मतलब मेरा हेलमेट था, मेरा ग्लव्स था, राइडिंग ग्लव्स था, शूज़ था, सब कुछ था और मैं स्कूटी चला रहा था। तो सडनली एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर ने मेरा रास्ता रोक लिया, तो मैं थोड़ा शॉक था क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक है, मेरा पेपर्स ऑलवेज ओके रहता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं एक राइडर हूँ, सो मैं सब कुछ ठीक ठाक कैरी करता हूँ। मेरे साथ एक गलती आज मुझसे शायद हो गया। मैं यूज़ कर रहा था एक हेडफोन, उसमें गाना नहीं चल रहा था, अभी फ़ोन भी नहीं था, लेकिन मैं उसको लगा के जा रहा था इसलिए उन्होंने रास्ता रोका। तो रास्ता रोक के वो ऑफिसर ने क्या किया वो हम बता रहे हैं अभी और दिखाएंगे भी वो क्लिप को। वो जो पुलिस ऑफिसर हमारा रास्ता रोक दिया, वो हमको समझाया कि सर ऐसा मत कीजिएगा, कुछ एक्सीडेंट और कुछ गलत हो सकता है। तो ये बात मेरा दिल को छू गया क्योंकि अभी तक हम लोग सुने थे कि जो लोग ये ट्रैफिक में काम करते हैं वो लोग हैरास करते हैं सभी को, लेकिन ये बात मैं एग्री आज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग भी वो धूप में भी अच्छे तरीके से काम कर रहे थे और लोगों को समझा भी रहे थे। अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो उनको बार बार बता रहे थे, फास्ट वार्निंग दे के उन लोगों को छोड़ रहे थे। सो शायद मुझसे भी ये गलती हो गया, मैं उनको सॉरी भी बोल दिया और साथ ही साथ मुझको अच्छा लगा इसलिए मैं उधर व्लॉग भी करने लगा। तो वही व्लॉग देखो। सो आज है 20 जून, तो मैं रास्ते से जा रहा था बरमपुर में, तो अभी देख रहे हो बरमपुर लॉज। तो मैं जो कर रहा हूँ वो है ब्लॉगिंग क्योंकि रास्ते में हमको पुलिस ने पकड़ लिया था बिकॉज ऑफ हेडफोन। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, ये वन वे में खड़े हैं, अगर आप हेडफोन यूज़ करते हो तो ये गलत है। तो मैंने किया था, तो आई एम सॉरी, आई एम अपोलोजाइज। सर आपका नाम? मुजफ्फर हुसैन। ओके, थैंक यू सर, उन्होंने ये काम कर रहे हैं अभी खड़े होके, तो सभी को साथ देना चाहिए ये। तो एक लड़के को वो लोग पकड़े थे विदाउट हेलमेट, तो उनको भी वो लोग एक बार वार्न करके छोड़ दिए। सो बहुत ही अच्छा लगा। सो देख लीजिए ये ब्लॉग एंड तक। मैं हाईली इम्प्रेस था ये कॉप से, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। सो मैंने ब्लॉग बना लिए और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग सचमुच अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी को हैरास कर रहा है। कैसा लग रहा है? ये ठीक है ना सर? ये चल रहा है बरमपुर में एकदम। तो अभी से आपको हेलमेट पहनना है। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए। तो ये गाड़ी में जो ट्रैवल कर रहा है वो अभी जो काम कर रहा था वो है विदाउट हेलमेट, तो वो लोग अभी हेलमेट पहन के ये गाड़ी चला रहा है। थैंक यू। जो ट्रैफिक में काम कर रहे हैं, और सभी गलत है ऐसा नहीं है, वो लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। सो ये देखने लायक था, सो मैंने ब्लॉग भी कर लिए। और एंड में प्लीज़ कमेंट कर देना क्योंकि सभी गलत नहीं होता है,